हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मिल्शेक बना के दिखाऊंगी और वो भी बहुत इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी, जैसे रोड साइड में मिलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी और बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चलिए हमें 3 से 4 बनाना और जितना आपको मिल्क जरूरत है उसके हिसाब से ले लीजिए। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले बनाना डाल देते हैं छोटे छोटे पीस करके। अगर इस पे ना एक सीक्रेट बताऊंगी मैं आपको बाद में ना, बनाना थोड़ा थोड़ा गट्टे रह जाते हैं उसमें ना, मुंह में लगते तो नहीं लगेगा। एक सीक्रेट बताऊंगी उसमें आपका बहुत स्मूथी से हो जाएगा। आप बनाना डाल दिया, आप अपने हिसाब से ना शुगर डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर डालूंगी। आप शुगर और चीनी डाल दिया और बनाना डाल दिया। अब डाल देते हैं मिल्क। अब इतना मिल्क डालने के बाद मैं और एक कप मिल्क डालूंगी। इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसका ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैं क्यों बता रही थी कि एक सीक्रेट है, जो सीक्रेट मेन सीक्रेट है, आप पहले बनाना शुगर डाल दीजिए, उसके बाद ना थोड़ा सा मिल्क देके, मतलब आधा कप मिल्क देके आप थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी के मिल्क है वो डालेंगे। क्यों इसका रीज़न है एक, कि आप पहले से अगर बहुत ज़्यादा मिल्क डाल देंगे तो अच्छे से बनाना ग्राइंड नहीं हो पाएगा और नीचे में ना वो रह जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो यही एक मेन सीक्रेट है। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका मिल्शेक बहुत ही टेस्टी बनेंगे और गट्टे भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए बाकी का काम प्रोसेस चालू करते हैं और बाकी का मिल्क जो है अभी डाल देते हैं। तो फिर चलिए उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब देखिए हमारा मिल्शेक बनके रेडी हो गया। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से बनके रेडी हो गया, ठीक फॉर्म जैसे। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छे से हमारा मिल्शेक बनके रेडी हो गया। बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही मज़ेदार मिल्शेक बनके रेडी हो गया हमारा। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगे आपको ये रेसिपी। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।